दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशंस। दोस्तों, जो सीरीज हमारा चल रहा है टैबलू का चल रहा है, हमने प्रीवियस वीडियोज में टैबलू को इंस्टॉल करना, टैबलू से डेटा को कनेक्ट करना, ये चीजें हमने सीखे थे। आज हम टैबलू पे बात करेंगे, टैबलू की एक ओवरव्यू देंगे कि आखिर टैबलू हम किस पर्पस से या किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये टैबलू मेरा खुल रहा है तो मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूं। हमारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन इस जूम ऐप के थ्रू होता है, तो आप चाहो तो हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं। बिल्कुल लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन होता है। अगर आपको पहले दो चार पांच क्लास देखना है तो आप एज ए डेमो ज्वाइन करके देख सकते हैं, अच्छा लगा तो एनरोल कर सकते हैं। साथ में हमारे पेन ड्राइव्स हैं, वीडियो रिकॉर्डेड पेन ड्राइव्स हैं, सीरीज में सारे के सारे। यूट्यूब पे तो मैंने जो प्रमोशनल डाल रखे हैं, लेकिन इस पे सारे सिक्वेंस है पेन ड्राइव के अंदर में, तो आप हमारा वो पेन ड्राइव भी परचेज कर सकते हैं। इन सबों के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए, हमारा टैबलू ओपन हो चुका है। जब टैबलू ओपन होगा तो फर्स्ट टाइम इस तरह का व्यू देता है, जहां पे आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आपने खोला हुआ है वो रहता है, और ये आपके डेटा कनेक्टिविटी जो होती है वगैरह वगैरह। तो हम बात कर रहे हैं कि टैबलू का यूज क्यों करते हैं। तो जैसे कि हमने, आपको याद होगा जब आप एक्सेल हमारे पढ़े होंगे, जब हमारे एक्सेल की वीडियो देखे होंगे, तो हमने जब शुरुआत की, जो पहली क्लासेस हमारी होती है, तो हम बताते हैं कि न्यू के अंदर में हमारे पास बहुत सारे टैम्पलेट्स हैं। इन टैम्पलेट को आप डाउनलोड करके एनालाइज करें, इससे पता चलेगा कि आखिर एक्सेल से क्या क्या किया जा सकता है। तो सेम थिंग यहाँ जो आप देख रहे हैं, सेम थिंग हमारे ये सेम थिंग हमारे टैबलू में भी है, जहां पे हमारे नीचे यहाँ पे देख रहे हैं सैंपल्स है। मोर सैंपल के लिए क्लिक करेंगे तो एक बार वेबसाइट पे ले जाएगा। बाय डिफॉल्ट थ्री है, एक आपका रीजनल है, ये आपका वर्ल्ड इंडिकेटर है, एक आपका सुपर स्टोर है। चलिए हम सुपर स्टोर को डाउनलोड करते हैं। तो अगर मैं सिंपली भाषा में बोलूं कि टैबलू का यूज क्यों होता है, तो टैबलू का यूज होता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए। ऐसा कि एक्सेल में हम लोग डेटा विजुलाइजेशन के लिए डिफरेंट चार्ट्स और डैशबोर्ड बनाते हैं, लेकिन एक्सेल में हमें ये चीज बनाने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए हम यहाँ पे तो इसमें टाइम नहीं लगता है। आपको जो है एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड विद इन सेकेंड में बना देता है। जी हाँ, विद इन सेकेंड में या मिनट में, सेकेंड तो ये बहुत कम हो जाएगा, हाँ विद इन मिनट में बना देता है। अगर इसकी कंपेयरिंग किसी अदर एप्लीकेशन से की जाए, तो इसकी कंपेयरिंग जो है वो कंपेयरिंग हम कर सकते हैं पिवट से, पावर पिवट से। जी हाँ, जैसे पिवट टेबल में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स रखते हैं, आपको रिपोर्ट्स बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा सुपर स्टोर का रिपोर्ट्स है। अब देखिए, जब टैबलू में हम काम करते हैं, जैसे एक्सेल में हम लोग काम करते थे तो फाइल सीट होता था, तो यहाँ भी सीट सिस्टम है। तो यहाँ पे दो चीज होती है, एक होता है शीट्स, दूसरा होता है डैशबोर्ड। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका हो गया शीट्स, क्रिएटेड वर्कशीट्स, और यहाँ पे क्रिएटेड डैशबोर्ड, और थर्ड जो दिख रहा है यह है क्रिएटेड स्टोरी, जो कि आपका इसके थ्रू होता है, डैशबोर्ड थ्रू होता है, लेकिन ये स्टोरी मतलब कि पूरी रिपोर्ट्स का एक ट्रायल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर, हाँ ट्रेलर, माफ कीजिएगा, ट्रेलर है, ट्रेल हो सकता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें ओवरव्यू पे है, मान लो हम प्रोडक्ट पे चले यार, तो प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट रिपोर्ट है। तो कुछ नहीं करना होता है, ये यहाँ पे हमारे फील्ड्स होते हैं, उन फील्ड्स को उठा के पिवट की तरह हमें रखना होता है, और ये हमारा विजुलाइजेशन होता है, अपने हिसाब से विजुलाइज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं आपको, शीट वर्कशीट पे डेटा बनाया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट पे डेटा बनाया हुआ है, और इसका डेटा सोर्स ये रहा, जो कि डेटा है, ये हमारा डेटा सोर्स है, और इससे डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बना हुआ है, और यहाँ
जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, उठाया और हमने रखते चले गए। तो पिवट टेबल की तरह होता है कि इस फील्ड को उठाइए, कॉलम में, रो में रखिए और यहाँ से विजुलाइजेशन को सिलेक्ट कीजिए और आपका रिपोर्ट रेडी है। अब इस रिपोर्ट को आप टैबलो पब्लिक में भेज सकते हैं। बेसिकली टैबलो के तीन पार्ट होता है, एक टैबलो टैबलो डेस्कटॉप होता है जो मैं यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है टब्लू पब्लिक जो कि हर कोई फ्री, हर किसी के लिए, हर कोई इसको यूज कर सकता है। वो सिर्फ रिपोर्ट को देखने और थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के लिए होता है, टब्लू पब्लिक। और तीसरा हमारा आता है टब्लू ऑनलाइन। टब्लू ऑनलाइन क्या होता है कि आपको एक वेब एड्रेस शेयर पॉइंट की तरह मिल जाता है जहां पे आप अपने इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे और आपसे जो कनेक्टेड पर्सन होंगे वो इसको वेब पे ही देख सकते हैं। तीसरा आता है टब्लू पीडीएफ, जैसे इसको पीडीएफ फॉर्मेट में ये एक्सपोर्ट कर देगी जिससे रिपोर्ट मिल सकता है। अब यहाँ भी यहाँ पर और भी है कि इसको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, शायद कहीं कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विजुलाइजेशन टूल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। सो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप रिपोर्ट बना के एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं इजिली, टैबलो पब्लिक में, टैबलो ऑनलाइन में, इन सबों पे कर सकते हैं। तो सिंपल है, डेटा सोर्स आपने कनेक्ट किया, न्यू शीट क्रिएट करा और फिर आप अपने हिसाब से फील्ड को जैसे रो एंड फोल्डर में रखें, आपने फिल्टर सप्लाई दी, अपने कैलकुलेशन अप्लाई किए, विजुलाइजेशन को सिलेक्ट किया और आपका रिपोर्ट आपका अपने सामने है। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कंडीजन, तो ये अलग अलग देखिए कनाडा का अलग अलग जो है कंट्री वाइज हमें हमें दिख रहा है। तो आगे की वीडियोज में हम इसी तरह से आपको बताएंगे और हमें आप लोग कुछ लोग जो टैबलो पब्लिक पहले से जानते होंगे और सोचते होंगे तो बहुत बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, तो हर चीज की शुरुआत बेसिक से ही होती है। तो बेसिक टू एडवांस हम लेके चलेंगे हमारे इस ट्यूटोरियल में और साथ में हम इसकी पेन ड्राइव भी लॉन्च करेंगे कुछ दिन बाद, तो हम आपको अपडेट कर देंगे कि पेन ड्राइव इसकी लॉन्च हो चुकी है। फिलहाल आप हमारे साथ इसकी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तकरीबन 10 घंटे की क्लासेस है, 10 या 12 घंटे की क्लासेस है, 6,000 रुपये इसकी फीस है और मंडे टू फ्राइडे ले सकते हैं या फिर सैटरडे संडे ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो एक्सेल से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड मुझे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।